हेलो दोस्तों, मैं विकास वत्स से एक बार फिर आपका एडमराड पे स्वागत करता हूँ। मेरी पहली जो रेशो की वीडियो थी उसके ऊपर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस था और उसके लिए सभी को थैंक यू सो मच। और मैंने जैसा कि कहा था कि उसी के साथ आगे सीरीज अपनी चलती रहेगी कि पहले फर्स्ट पार्ट डाला, फिर सेकेंड, और ऐसी अपनी बढ़ती रहेगी। आज मैं सेकेंड पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको रेशो का बहुत बेसिक कंसेप्ट बताया कि रेशो होता क्या है, कैसे कैसे हम रेशो को बनाते हैं, कैसे हम ए रेशो, बी रेशो, सी हमने निकाला। किसी भी एक्स वाई जेड के नीचे कभी भी अगर अपना नंबर दिया हो, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो हम कहते थे कि वो ही अपना रेशो होगा। उसी हिसाब से मैंने वो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाया था और आज मैं आगे उसके बाद अपना लेवल को थोड़ा बढ़ाते चलेंगे और अब अपना सेकेंड लेवल पर हम आते हैं। आज पार्ट टू से हम स्टार्ट करें। देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है, सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जाता है। आपने देखा होगा कैंडल्स के क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछता है कैंडल्स। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैंडल्स के क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया है। जैसा कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, मैंने कहा कि टू कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम। टू कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम। फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 8 hours एंड सेकेंड इन 6 hours। फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 8 hours एंड सेकेंड इन 6 hours। इन हाउ मच टाइम आफ्टर बींग लाइटेड द रेशियो ऑफ लेंथ बिकम्स 5:4। इन हाउ मच टाइम आफ्टर बींग लाइटेड द रेशियो ऑफ लेंथ बिकम्स 5:4। मैं हिंदी में बता रहा हूं एक बार आपको। दो मोमबत्तियां जिनकी लंबाई बराबर है, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी तरह जल जाती है और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 हो जाएगा? आपसे पूछा गया जी, कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज देखिएगा, लंबाई दोनों की उसने कहा कि सेम है, लेकिन एक मोमबत्ती 8 घंटे में जल रही है और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में जल रही है। इसका मतलब हम कह सकते कि एक अच्छी क्वालिटी की मोमबत्ती थी और एक नॉर्मल क्वालिटी की मोमबत्ती थी। जो अच्छी क्वालिटी की मोमबत्ती थी वो टाइम ज्यादा ले रही थी जलने में, मतलब काफी टाइम तक चल रही थी, और जो लो क्वालिटी की थी वो जल्दी जल जा रही थी। इसी के साथ देखिएगा, एक बार मैंने कहा पहली मोमबत्ती 8 hours में पूरी तरह जल जाती थी और दूसरी मोमबत्ती 6 hours में पूरी तरह जल जा रही है। मैंने कहा आप दोनों की कोई भी लेंथ एक अज्यूम कर लीजिए, या मैं कह सकता हूं कि दोनों का जो टाइम दिया होता उसका एलसीएम ले लीजिएगा आप। मैंने कहा 8 hours में पूरी तरह जल जा रही थी और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह जल जा रही थी। दोनों का मैंने एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 24। ये मैं लेंथ को अज्यूम कर लेता हूं कि एक मोमबत्ती की लेंथ 24 मीटर की थी, तो दूसरी की भी लेंथ कितना हो जाएगा? 24 मीटर। मैंने कहा 8 hours में पूरी तरह जल जा रही थी और ये 6 hours में, 24 मीटर की अगर है मोमबत्ती, 8 hours में जल रही है, तो हर घंटे कितने की एफिशिएंसी से जल रही है? 3 मीटर की एफिशिएंसी से वो जलती जा रही है। और मैंने कहा जो 6 hours में अगर जल रही है तो हर घंटे 4 मीटर की एफिशिएंसी से वो जलती जाएगी। आपसे ये पूछा कि कितने समय के बाद उनका रेशियो 5:4 हो जाएगा। मैंने कहा जी 24 दोनों में था, 24 दोनों मोमबत्तियों की लेंथ थी। मैंने कहा ये पहली मोमबत्ती हर घंटे 1 घंटे में 3 मीटर जल रही थी और दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में 4 मीटर की जल रही थी। आपसे पूछा गया कितने समय बाद इनका रेशो 5:4 हो जाएगा। मैंने कहा कि 1 घंटे में जब ये मोमबत्ती 3 मीटर जल रही है, ये मोमबत्ती 1 घंटे में 4 मीटर जल रही है, तो इनको कितने घंटे और जलाए जाए कि रेशो कितना निकल के आ जाए? 5:4। मीन्स आपसे टाइम जो पूछा गया वो यही पूछा है कि मैं यहां पे क्या लगा दूं, टी, कि अगर ये 1 घंटे में 3 मीटर जल रही है, इसको कितने घंटे और जलाऊं कि लास्ट में जो रेशो बन के आएगा वो 5 और यहाँ पे रेशो कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आ जाए। मैंने कहा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों का। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 24 4 जा 96। मैंने कहा 4 3 जा 12, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 120, और मैंने कहा भाई ये कितना हो जाएगा? -20। तो जैसे कि दोस्तों मैंने कहा ये -20 है और ये -12 है, अगर मैं उस टी को इस साइड लेके आऊंगा तो ये +80 हो जाएगा। और मैंने कहा अगर ये 120 है, इस साइड जाएगा -96, कितना निकल के आ गया? 80 = 24, और टी की वैल्यू कितना निकल के आ गया?
थ्री आवर्स. इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, इसका मतलब 3 घंटे बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4. यही आपका आंसर था कि 3 घंटे के बाद उन दोनों का कितना रेशियो हो जाएगा, 5:4. एक बार दोबारा समझिए, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार आया कहां से, कैसे ही हो. मैंने कहा पहले 8 आवर्स था, फिर 6 आवर्स. एक मोमबत्ती 8 घंटे में जल रही थी और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह जल जा रही थी. और उसने कहा दोनों की लेंथ सेम थी, तो मैंने लेंथ को कितना मान लिया, 24. दोनों की लेंथ को मान लिया 24 मीटर और 24 मीटर. अगर ये 24 मीटर है, ये हर घंटे 3 मीटर जल रही है, तो कितने घंटे जला, मतलब टाइम आपसे पूछा मैंने, टाइम टी से डिनोट किया. ये 24 हर घंटे 4 मीटर जल रही थी, तो मैंने इसको टी से डिनोट कर दिया टाइम. तो इसका रेशो 5:4 हो जाएगा. जैसे मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 96 - 12t = 120 - 20t निकल के आ गया. और मैंने कहा कि आपसे t पूछा गया, अगर मैं इस 20 को इस साइड लेके आता हूं, ये प्लस 8 हो गया, और इस साइड 96 लेके गया, तो ये 24 हो गया. t की वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3 आवर्स. मतलब 3 घंटे में उनका रेशो 5:4 हो जाए. एक बार मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हुआ. मैंने कहा अगर मान लो ये 24 था और ये भी 24 था, ये 1 घंटे में 3 मीटर जल रही थी और आपसे टाइम पूछा 3, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 3 × 3. मैंने कहा ये 1 घंटे में कितना जल रही थी, 4, और 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 × 12. देखो ये कितना हो जाएगा, 24 - 9 = 15, और ये कितना निकल के आ गया, 24 - 12 = 12. ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कितने पे हो जाएगा, 5 और अपॉन में 4. 3 से अगर मैं दोनों को कैंसिल करता हूं, और उसने रेशो क्या कहा था, 5:4. तो ये मैंने इसको प्रूव करके दिखाया कि अगर मैं यहाँ पे टाइम को 3 3 आवर्स पुट करता हूं, तो क्या मेरा रेशो वही निकल के आ रहा, 5:4. तो ये बिल्कुल सही है कि मेरा रेशो वही निकल गया, इसका मतलब टाइम कितना हो गया, 3 आवर्स. 3 घंटे में वो मोमबत्ती का रेशो जो होगा, जो अनुपात होगा, वो 5:4 हो जाएगा. यहाँ तक मेरी बात समझे. इसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सभी को आए समझ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी इज 6060 रुपीज. टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी इज 6060 रुपीज, 6060 रुपये है. इफ दे स्पेंड 80%, 75%, इफ दे स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम्स. इफ दे स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम्स, देन देयर सेविंग्स आर इन द रेशो ऑफ 5:6:9. देन देयर सेविंग्स आर इन द रेशो ऑफ 5:6:9. देन फाइंड द सैलरी ऑफ ए. देन फाइंड द सैलरी ऑफ ए. इसी को मैं हिंदी में बोल रहा हूं, बच्चे हिंदी में समझेगा. मैंने कहा ए बी सी का कुल वेतन 6060 रुपये है. ए बी सी का कुल वेतन 6060 रुपये है. यदि वे अपने वेतन कर्मश 80%, 85% और 75% खर्च करें. यदि वे अपने वेतन 80%, 85% और 75% खर्च करें, तो उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 हो जाता है. उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 हो जाता है. तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए. तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए. करिए देखिए, मैंने कहा स्टार्टिंग में आप एक चीज देखिएगा, मैं बात करता हूं एक्सपेंडिचर की. ये ए, ये बी और ये सी. ए का एक्सपेंडिचर कितना बताया उसने, 80%. ये 85 और ये 75. मैंने कहा अगर ये एक्सपेंडिचर है तो सेविंग आपका क्या हो जाएगा. सो 100 में से मैं माइनस कर दूं, क्योंकि कोई भी इनकम अपने आप में कितना परसेंट होगी, 100%. और अगर मैं 100% में से इसको माइनस करता हूं एक्सपेंडिचर को, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, सेविंग. मैंने कहा 80% अगर मेरा एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना हो जाएगा मेरा, 20%. ये 20% मेरा क्या हो गया, सेविंग. अगर 85% बी का एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, 15%. अगर सी का एक्सपेंडिचर 75% है, तो सेविंग कितना आ गया, 25%. ये परसेंटेज के निकल के आए हैं मेरे सारे के सारे, 20%, 15%, 25%. अगर मैं इनका फ्रैक्शन निकालने की बात करूं आपसे, तो डिवाइड बाई कितना कर दोगे, 100. कितना निकल के आ जाएगा, 1/5. अगर मैं इसके फ्रैक्शन की बात करूं, डिवाइड बाई 100 कर दोगे, कितना निकल के आ गया, 3/20. अगर मैंने कहा डिवाइड बाई 100 कर दोगे आप यहां से, कितना निकल के आ गया, 1/4.
मैंने कहा 1/5, 3/20, 1/4। इस बात का मतलब देखिएगा क्या होगा, 1/4 का मतलब कोई भी नीचे वाला नंबर फ्रैक्शन के अंदर हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। मैं हर बार मैंने ये आपको बताया कि 1/4 नीचे वाला नंबर जो भी होगा वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। और मैंने कहा अगर ये 4 मेरी इनकम थी, 1 मेरी सेविंग थी, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3। 4 मेरी इनकम, 1 मेरी सेविंग, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा जी, 3। और मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 100 करता हूँ तो ये कितना निकल के आ गया, 3/4। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे भी मेरी इनकम 4 रुपये है और 3 मेरा एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितना, वो 1। दोनों बात सेम है एक दूसरे के। मैंने कहा अगर ये रहेगी तो इनकम हमेशा। अब एक चीज देखिएगा, ये पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना आपको, पेपर के लिए मैं एक बार दोबारा बताऊंगा इस क्वेश्चन को, मैं सिर्फ आपको एक बार बेसिक से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। ये 80% था, ये 85% था और ये 75% था। मैंने ये सेविंग निकाल लिया 20, 15 एंड 25%, और जैसे मैंने इनका फ्रैक्शन निकाल दिया 1/5, 3/20, 1/4, मतलब नीचे वाला नंबर वो अपनी क्या हो जाएगी, इनकम। और मैंने कहा मेरे हिसाब से इसने 1 रुपए का क्या किया है, 1 यूनिट की सेविंग की है, लेकिन रेशो के हिसाब से उसने कितना रेशो बोला था, 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो बच्चे ये बताइएगा कि 5 की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 5, ये 25। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो आप मुझे बताइए, मेरे हिसाब से इनकम तो 5 है, 5 की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 25। ये किसकी इनकम निकल के आई है, मेरे हिसाब से ये निकल के आई A की इनकम। मैं बात करता हूँ B की, मेरे हिसाब से 3 यूनिट इनकम है किसका, ये सेविंग है किसका, B का, और रेशियो के हिसाब से B की सेविंग कितना है, 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 2g। और मैंने कहा 20 की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 20 की वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 40। तो ये किसकी वैल्यू, किसकी इनकम निकल के आई है, ये B की इनकम निकल के आई है। अब मैंने कहा 1/4 दिया हुआ था, इट्स मीन क्या था, 1 यूनिट मेरी क्या थी यहां से, सेविंग। अगर मेरी 1 सेविंग है और उसने रेशियो के हिसाब से कितना बताया था, 9। और मैंने कहा 4 की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 4 की वैल्यू, क्योंकि 4 यूनिट मेरा क्या था, ये मेरा इनकम था, कितना निकल के आ गया, 36। आप मुझे बताइए A की इनकम कितना, 25, B की इनकम कितना, 40, और C की इनकम मेरा कितना निकल के आ गया, 36। ये मेरे हिसाब से निकल के आया, टोटल देखिएगा 25 और 40 65 और 30 कितना हो गया, 110, 101 रुपये मेरी इनकम होगी, और तीनों की मिला के मतलब 101 रुपये में इनकम होगी। और उसने तीनों की इनकम कितना बताया था, 6060 रुपीज़, 6060 रुपये, कितना टाइम्स हो गया उसका, 60 टाइम्स। पहले मैं एक बार इसको दोबारा अपने दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ये एक बार यहाँ तक देखो, इनकम हमारी 25, 40, 36, उससे भी यही आएगी, उससे निकाल के दिखाऊंगा अभी, पहले एक बार ये समझो, ये आए यहाँ तक समझ में सभी को। चलो अब मैं जो हमने पेपर में कैसे करना वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और उसी से मैं आंसर निकाल दूंगा इसका, क्योंकि आएगा रिजल्ट यही निकल के 25, 40 और 36। यहाँ तक बताओ समझ में आया सभी को, चलिएगा मैं आपको एक बार एग्जाम पॉइंट व्यू से बता रहा हूँ कि कैसे हमने उसको करना है। टाइम नहीं लगेगा आपका, एक प्रश्न बहुत कम टाइम लगेगा और फटाफट आपका क्वेश्चन होगा आपका। सबसे बड़ी बात, आपको लिखना नहीं पड़ेगा ज्यादा उसके लिए। आप एक चीज बताइए, मैं सीधा डायरेक्ट सेविंग की बात करता हूँ यहाँ पे। अगर इनकम 80%, उसने कहा था एक्सपेंडिचर पहले का 80% था, अगर 80% था तो सेविंग कितना निकल के आ गया पहले की, 20%। मैंने कहा दूसरे का कितना निकल के आ गया, 15%, तीसरे का कितना निकल के आ गया, 25%। ये सबकी क्या निकल के आ गई, सेविंग। और मैंने कहा इनका फ्रैक्शन कितना निकल के आ गया, 1/5, ये कितना निकल के आ गया, 3/20, ये कितना निकल के आ गया, 1/4। भाई मेरे हिसाब से पूरा का पूरा भी तो सेविंग ही है ये। अगर मैं एक के अंदर अगर इस चीज की बात करूं, इस पूरे की, तो ये हमेशा नीचे वाला नंबर ओरिजिनल था मेरा और ऊपर वाली मेरी क्या हो जाएगी, सेविंग। लेकिन मैं अगर बात करूं पूरे के पूरे की, एक किस्म का ये मेरे पास क्या है, पूरा रेशियो, जो उसने सेविंग का रेशियो दिया आप इसके बराबर रख दो, कितना हो गया, 5:6:9। मेरे हिसाब से इतना, ये 6, ये 9। आप इस साइड अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा इनकम की ही वैल्यू निकल के आ जाएगी, 5×5=25। क्या वही आया जो मैंने अभी 2 मिनट पहले निकाल के दिखाया था, 25। मैंने कहा अगर ये कैंसिल हो रहा 1 पे ये 2 और ये 1, 22 जा कितना निकल के आ जाएगा आपका, 40।
ये किसकी इनकम निकल के आ गई, बी की इनकम निकल के आ गई, और मैंने कहा अगर मैं सी की बात करता हूं तो ये कितना निकल के आ गया 36। बात समझे मेरी, मैंने कहा 5 5 जा 25, ये 3 पे कैंसिल हो रहा था रेशो, 3 2 जा 6 और 22 जा कितना हो गया 40, ये रेशो कितना हो गया 4 9 जा 36। और मैंने कहा आप मेरे हिसाब से तीनों की इनकम बताइए कितना हो जाएगा, 25 40 65 और 36 कितना हो गया 101 यूनिट। मेरे हिसाब से इनकम है 101 और उसने इनकम कितना बोला था 6060 रुपये। मेरे हिसाब से 101 यूनिट और उसने कहा 6060 रुपये, कितने टाइम्स हो गए, कितने गुना हो गया इसका 60 टाइम्स, कितने गुना हो गया इसका 60 गुना। आपसे पूछा इनकम ऑफ ए बताइए कितना होगा, तो इसका भी कितने गुना हो जाएगा 60 गुना, 60 टाइम्स कितना हो जाएगा 1500 रुपीज, 1500 रुपये। मैंने कहा ये 101 यूनिट था और उसने टोटल 6060 रुपीज, 60 गुना था तो इसका भी कितने गुना हो जाएगा 60 गुना, कितना आंसर आ गया 1500 रुपीज। यहां तक सभी को समझ में आया? चलिए मैंने आपसे कहा था ना कि एक्सपेंडिचर वगैरह कुछ नहीं लेना, बिल्कुल सिंपल से बना दो और आंसर निकल जाएगा। इसी के साथ मैं एक और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं कि है इसी का ही, मतलब रेशियो यही दिया, वो परसेंटेज यही दिया मिलेगा, लेकिन रेशियो मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, थोड़ी वैल्यू चेंज कर रहा हूं और आप एक बार करके देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं उसी के साथ। मैंने कहा टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी, टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी इज 14400 रुपीज, 14400 रुपये। टोटल इनकम ऑफ या टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी इज 14400 रुपीज, इफ दे स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम्स, इफ दे स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम्स, देन देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ, देन देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:9:20, 8:9:20। फाइंड द सैलरी ऑफ बी, फाइंड द सैलरी ऑफ बी, हिंदी में देखिएगा एक बार, हिंदी में और बताता हूं इसको। ए बी सी का कुल वेतन 14400 रुपये है, ए बी सी का कुल वेतन 14400 रुपये है, यदि वे अपने वेतन में कर्मश्य 80%, 85% और 75% खर्च करें, यदि वे अपने वेतन में कर्मश्य 80%, 85%, 75% खर्च करें तो उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो जाता है, 8:9:20 हो जाता है। तो ए की इनकम ज्ञात करें या ए की आय ज्ञात करें। मैंने कहा रेशियो तो यही दिया हुआ है सारा का सारा, मतलब उसने कहा था कि कितना कितना परसेंट बचा है, खर्च कितना परसेंट किया है, 80%, 85% और 75%। सेम इसी का देखो, अगर मान लो पहले वाले ने अगर 80% खर्च के एक्सपेंडिचर था, सेविंग कितना हो गया 20, अगर दूसरे वाले ने 85% अगर एक्सपेंडिचर किया तो सेविंग कितना हो गया 15, और तीसरे वाले ने सी ने अगर 75 एक्सपेंडिचर किया है तो सेविंग कितना हो गया मेरा 25। मेरे हिसाब से ये कितना निकल के आ गया 1/5, ये कितना हो गया 3/20 और ये कितना निकल के आ गया मेरा 1/4। और उसने रेशो कितना दिया था आपकी बार 8:9:20 सेविंग का, और मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप बस यहां पे इक्वल पुट कर दो 8:9:20, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं ये कितना निकल के आ जाएगा 40, ये कैंसिल हो रहा है 3 पे, 3 3 जा 9, और इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ये कितना निकल के आ गया 60, और मैंने कहा अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं ये कितना निकल के आ जाएगा 80। ये क्या निकल के आया मेरा, ये इनकम निकल के आ गई, इनकम का रेशियो निकल के आ गया मेरे अकॉर्डिंग, ओरिजिनल नहीं, ये अकॉर्डिंग निकल के आया है कि भाई अपना रेशियो। अगर मैं टोटल बात करता हूं 40 और 60 100 और 80 180, तो इसका मतलब तीनों की टोटल इनकम आज रेशियो के हिसाब से मेरे हिसाब से कितना दिया है 180, और उसने कितना बोला था 14400। ये कितना टाइम से इसका, कितने गुना है इसका, मैंने देखा 800 गुना हो जाएगा भाई, अगर 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, और 18 8 जा 144, 18 8 144, और ये 0 2 0 नहीं 80 सॉरी, कितना टाइम्स हो जाएगा भाई 80 गुना, क्योंकि 0 से 2 ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो कितने गुना हो गया 80। आपसे अब की बार किसकी पूछा था, बी की, अगर मैं इसका 80 टाइम्स कर दूंगा कितना आ जाएगा 4800 रुपीज़, 4800 रुपये,
कितना निकल के आ जाएगा, 4800 रुपये। और ये किसकी इनकम आ गई, बी की इनकम। अगर ए की इनकम पूछता तो इसका आप 80 टाइम्स कर दो, अगर आपसे कहता सी की इनकम बताओ तो आप इसका भी कितना टाइम्स करते, 80 टाइम्स करते हैं। समझ में आया सभी को यहाँ तक? ये सेविंग का रेशियो था, ये 1/5, 3/20, 1/4 मैंने इनका सारा का सारा फ्रैक्शन निकाल दिया, जो भी रेशियो दिया होता सेविंग इसके बराबर रख दिया। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया ये 40 हो गया, ये कैंसिल हुआ 3 पे, ये कितना हो गया 60, और ये कितना निकल के आ गया 80। ये टोटल इनकम आ गई मेरे हिसाब से 180, और उसने कितना बोला था 14,400। कितना टाइम्स हो गया, कितने गुना हो गया, 80 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 80 गुना। कितना निकल के आ गया, 4800, 4800 रुपये। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? मैंने पहला क्वेश्चन करवाया कैंडल्स का, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्वेश्चन करवाया है, तीसरा क्वेश्चन जो मैं तीसरी टाइप जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो एक आसान टाइप है, लेकिन जैसे उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको फोर्थ टाइप पे लेके जाऊंगा, वो क्वेश्चन रिलेट होंगे थर्ड टाइप से, और फोर्थ जो टाइप होगी उससे बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन। जैसे थर्ड टाइप मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, वो कहेगा कि कोई कितने लीटर, कुछ लीटर सोल्यूशन आपको कहेगा कि 20 लीटर का सोल्यूशन था मिल्क और वाटर का, उसमें रेशियो देगा आपने मिल्क और वाटर का रेशियो दे देगा, फिर आपसे कहेगा कितना मिल्क और वाटर और मिलाया जाए कि अब रेशो 3:1 या 4:1 निकल के आपका आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, लिखेगा एक क्वेश्चन। उसने कहा रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 35 लीटर मिक्सचर, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 35 लीटर मिक्सचर इज 4:3। हाउ मेनी लीटर ऑफ एक्स्ट्रा मिल्क, हाउ मेनी लीटर ऑफ एक्स्ट्रा मिल्क शुड बी एडेड इन टू दिस मिक्सचर so that this ratio will becomes 2:1, so that this ratio will becomes 2:1। 35 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:3 है, 35 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:3 है, इसमें कितने लीटर दूध और डाला जाए, इसमें कितने लीटर दूध और डाला जाए कि अब दूध व पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। मैंने जैसा कि बताया कि थर्ड टाइप है ये, फोर्थ टाइप मैंने बताया था कि इससे थोड़ा सा अपर लेवल पे हम चले जाएंगे, उसमें क्या कहेगा, जैसे इसने आपकी बार बोला कि 35 लीटर सॉल्यूशन है, खुद बताया इसने, जो फोर्थ टाइप की मैं बात कर रहा हूँ उसमें वो बताएगा नहीं कि इतने लीटर का सॉल्यूशन है, वो आपसे खुद पूछेगा कि उस वेसल के अंदर, उस बर्तन के अंदर कितना सॉल्यूशन है, कितना मिक्सचर है टोटल। तो वो क्वेश्चन से काफ़ी पूछता है कि वो कहेगा कि मिक्सर में से 8 लीटर मिक्सर निकाल दिया और बी डाल दिया जाए, उतना ही बी डाल दिया जाए, तो आपसे पूछेगा बताइए पहले ए कितना था, पहले बी कितना था, या सॉल्यूशन टोटल कितना है, ये आपसे पूछेगा फोर टाइप में। अभी जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछा और मैं आपको एक बार उस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स के अंदर, और सबसे बड़ी बात आपको टूटना नहीं है, एक बहुत आगे जाना है। आप ये मत समझो कि मेरे को बस एसएससी निकालना है, मेरे को इंस्पेक्टर, आपके सपने बहुत बड़े होने चाहिए। सपने जब बड़े होंगे और उनको पूरा करने के लिए जब आप जी जान लगाओगे तो बड़ा मजा आएगा, और आप अपनी फैमिली के लिए, जब अपने माता पिता का जब बच्चे नाम रोशन करोगे ना, तो उस चीज़ के लिए आपको इतना अच्छा फील होगा कि हमने कुछ अपना अचीव किया उस चीज़ के लिए। जैसे कि मेरे को हमेशा एक बात याद आ जाती है, जब भी मैं कई बार टूटता हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ें नहीं होती, तो मेरे को एक ही चीज़ याद आती है, और हमेशा मैं हर बंदे से, हर स्टूडेंट से मैं वही बात कहता हूँ, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि सूरज अभी डूबा नहीं है, जरा सी शाम तो होने दो, सूरज अभी डूबा नहीं है, जरा सी शाम तो होने दो, अरे मैं खुद लौट जाऊँगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना, अरे मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, जरा सा नाम तो होने दो। तो बच्चे याद रखना मेरे दोस्तों, पूरा अपना नाम होना चाहिए, पूरी फेम होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हमारे स्टार शोल्डर पे स्टार होने चाहिए, लगना चाहिए कि हम कुछ अचीव किया हमने कुछ, ठीक। चलिए मैंने अभी इसी के साथ और कई बच्चों के बार बार मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आ रहे हैं, काफ़ी मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर मोटिवेशनल वीडियोस बनाइए कुछ, तो जयपुर से भी मेरे पास काफ़ी स्टेटस आ रही है, काफ़ी मैसेज आ रहे हैं काफ़ी, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि ज़रूर मैं बहुत जल्द आज या कल में
मैं एक दो मोटिवेशनल वीडियो डालने वाला हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे हमने स्ट्रगल किया था और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे और अभी भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं, ठीक है, और चलता रहेगा ये। तो उसी के लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आप टेंशन ना लीजिएगा, आप बिल्कुल बस बेजगह होकर पढ़ते रहिएगा इस चीज़ के लिए। चलिए, मैंने आपसे कहा कि आपसे कहा कि 35 लीटर का मिक्सचर था, मिल्क एंड वाटर का, ये मिल्क है और ये वाटर है। मैंने बात की ये पहले की, ये बात थी बिफोर की। अच्छा, पहले कितना रेशो दिया गया था उसने 35 लीटर में, कितना बोला था, 4:3। और मैंने कहा आज आज कितना मिक्सचर बताया, आज रेशो टोटल कितना बताया उसने, 2:1। ठीक बात। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक चीज समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने कहा एक बर्तन था आपका और इस बर्तन के अंदर मान लो इतनी इतना अपना मेटेरियल डला हुआ है कुछ और इतना इसके अंदर पानी डला हुआ है। मैंने कहा इतना मटेरियल डला हुआ कुछ और इतना पानी डला हुआ है। अच्छा, कई ऐसे नहीं होते, अरे भाई बहुत कड़वी लग रही है इसमें, पानी तो मिला दे कुछ। तो मैंने क्या किया उसमें, और पानी और मिलवा दिया उसमें। अगर मैंने इतना मटेरियल था और इतना पानी था, मैंने पानी उसमें मिला दिया, भर दिया पानी के साथ, तो मुझे बताओ क्या नीचे वाला मटेरियल चेंज हुआ आपका? नहीं, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, पानी। क्यों? क्योंकि मिलाया सिर्फ पानी गया था। अब मैं दूसरे बर्तन की बात करूँ, एक सेकेंड बर्तन है, इसके अंदर इतना सा मटेरियल था और ये इतना पानी से भरा हुआ था। अब कई ऐसे नहीं होते भाई कि पानी पानी पिला रहे यार, कुछ मटेरियल तो डाल दे इसके अंदर। तो उसने क्या किया, इसके अंदर मटेरियल डलवा लिया अपना, भरवा दिया अब मटेरियल से। तो पानी तो इतना ही है, अब चेंज क्या होगा, अपना मटेरियल। क्यों? क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो चीज़ मिलाई जाए या जो चीज़ निकाली जाए, सिर्फ वही रेशो अपना चेंज होता है, दूसरा रेशो हमेशा बराबर बन जाएगा। मैंने कहा जो रेशो कभी भी कहे कि पानी मिला दिया जाएगा या मिल्क मिला दिया जाए, सिर्फ उस रेशो को चेंज कर दो, जो चीज मिलाई जाएगी या जो चीज निकाली जाएगी उसके दूसरा जो रेशो होगा उसको आप बराबर बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा, आप मुझे बताओ उसने क्या कहा था कि कितना दूध और मिलाया जाए कि अब रेशो 2:1 हो जाए। अगर उसने मिल्क मिलाने की बात की है तो आप रेशो किसका बराबर बना के चलोगे, आप वाटर का रेशो बना के चलोगे। अगर वाटर का रेशो बना के चलोगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 3 से। तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, ये 6 और ये कितना निकल के आ गया, 3। जैसे ये दोनों रेशो बराबर हो जाएं, मैंने आपसे कहा कि जब भी ये दोनों रेशो बराबर होंगे तो आप इन दोनों का टोटल ले लो, पहले वाले का, क्योंकि आपको दिया गया है खुद सॉल्यूशन 35 लीटर। जब वो खुद देगा तो क्वेश्चन करेंगे हम ऊपर से, और वो नहीं देगा तो क्वेश्चन करेंगे हम नीचे से, जैसे अगली टाइप में मैं बताऊंगा आपको। मैंने कहा मेरे हिसाब से पहले कितना है टोटल सॉल्यूशन, 4:3, टोटल कितना आ गया, 7 यूनिट। और उसने कितने लीटर बताया सॉल्यूशन, 35 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 लीटर। अगर एक यूनिट की 5 लीटर की वैल्यू है तो मुझे बताओ मिल्क पहले कितना था, 4, और आज मिल्क कितना हो गया, 6। तो कितना मिल्क मिलाया गया मेरे हिसाब से, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 लीटर। यही आपका आंसर था। तो इसका मतलब कितना दूध और मिलाया गया इसमें, 10 लीटर दूध और मिलाया गया। मैंने क्या कहा था कि आपसे कहा कि कितना मिल्क और मिलाना है, तो आपने किसको बराबर बना दिया, पहले वाटर को बराबर। ये 3 था तो इसको भी 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 और ये 6। जैसे ही बराबर होगा आप इन दोनों का टोटल लोगे, 7 यूनिट। मेरे हिसाब से 7 यूनिट है, और उसने टोटल सॉल्यूशन कितना दिया, 35 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 5 लीटर। ये जैसे ही मैंने देखा कि कितना मिल्क चेंज किया गया, पहले 4 था तो आज 6, कितना मिलाया गया, 2 लीटर और ज्यादा मेरे हिसाब से। 2 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 लीटर। यही आपका आंसर था। समझ में आया सभी को कि कितना मिल्क और मिलाया गया, 10। तो मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, जो चीज मिलाई जाएगी और जो चीज निकाली जाएगी, सिर्फ उस रेशो को हम चेंज करेंगे, दूसरे रेशो को बराबर बना देते हैं। समझ में आया सभी को? इसी के साथ मैं एक अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसी टाइप का जो क्वेश्चन होगा। मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, कह रहा है कि रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 48 लीटर मिक्सचर, इन 48 लीटर मिक्सचर इज 7:1। रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 48 लीटर मिक्सचर इज 7:1। हाउ मेनी लीटर ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, how many liter of extra water should be added into this mixture, how many liter of extra water should be added into this mixture so that ratio will becomes 3:1,
सो दैट रेशो विल बिकम्स 3:1। 48 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:1 है। 48 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:1 है। इसमें कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, अब की बार क्या मिलवा रहा है, पानी, इसमें कितने लीटर पानी और मिलाया जाए या डाला जाए ताकि मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। ताकि मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 हो जाए, समझेगा। अब की बार मिलाना क्या, उसने किसकी बात कही है, पानी की, तो आप किसका रेशो सेम बना दोगे, अब की बार मिल्क का रेशो सेम बना दो। अच्छा, पहले कितना रेशो दिया हुआ है, 7:1, और मैंने कहा आज रेशो उसने कितना बोला, जैसे ही 7:1 था, और उसने मिल्क और वाटर का कितना रेशो हो गया आज, 3:1। अच्छा एक चीज बताइए, अगर उसने मिलाया आपकी बार पानी है तो किसका रेशो सेम बना दोगे आप, मिल्क का रेशो। मिल्क का रेशो सेम बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई, 3 से, और इसको 7 से। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे रेशो को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे रेशो को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 से, क्योंकि रेशो का रूल होता है, अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे लाइन को कितने से करोगे, 3 से। इसको 7 से किया तो पूरे को कितने से कर दोगे आप, 7 से। टोटल देखो कितना हो गया, 21। ये टोटल कितना हो गया, 3। ये 21 और ये कितना हो गया, 7। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही दोनों रेशो बराबर हो जाएंगे, बराबर होने के बाद लेना, पहले रेशो मत लेना, कई ले लेते इस रेशो को कि 7:1 8 सर, और 8 की वैल्यू 48 के बराबर नहीं। मैंने क्या कहा कि जैसे ही ये दोनों रेशो बराबर होंगे तब लेना रेशो आपको। 21 और 3 मेरे हिसाब से टोटल कितना निकल के आ गया, 24 यूनिट। और उसने कितने लीटर बताया, 48 लीटर। कितना सॉल्यूशन था टोटल, 48। 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकल के आ गया आपसे, 2 लीटर। और ये बताइए मुझे, वाटर पहले कितना लीटर था, 3 मेरे हिसाब से, और आज कितना हो गया, 7। तो कितना मिलाया गया मेरे हिसाब से, 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 8 लीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, बात समझ में आई। मैंने कहा 3 था, 3 से 7 हो गया, कितने मिलाया, 4 यूनिट। 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 लीटर। यहां तक बात समझ में आई सभी को, 8 लीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिएगा अभी मैं, ये टाइप समझ में आई दोनों, मतलब इसमें खुद लीटर सॉल्यूशन आपको देगा। अब मैं इससे अगली टाइप जो मैं आपको बताने जा रहा था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि उसमें वो खुद पूछेगा आपसे कि कितना मिश्रण होगा बर्तन के अंदर, चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, ये कह रहा है, ए वेसल कंटेन्स लिक्विड ए एंड बी, ए वेसल कंटेन लिक्विड ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:1, इन द रेशो ऑफ 3:1। इफ 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, इफ 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी इज एडिड, एंड सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी इज एडिड, देन द रेशो बिकम्स 1:3। Then the ratio becomes 1:3. Then what quantity does the vessel hold? Then what quantity does the vessel hold? मतलब बर्तन में कितने मिश्रण है, मतलब उसकी मात्रा आपसे पूछी गई है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, दोबारा सुनिए हिंदी में भी एक बार। एक बर्तन में लिक्विड ए और बी 3:1 में है, लिक्विड ए और बी 3:1 में है। बर्तन में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर लिक्विड बी डाल दिया जाता है, बर्तन में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर लिक्विड बी डाल दिया जाता है, तो अब लिक्विड ए और बी का अनुपात 1:3 हो जाते हैं। तो अब लिक्विड ए और बी का अनुपात 1:3 हो जाता है, तो बताओ बर्तन में कितना मिश्रण है। तो आपसे पूछा बर्तन में कितना मिश्रण, अच्छा मुझे बताओ कहीं पे भी इसने क्वांटिटी दिया हुआ है, कहीं पे भी नहीं। अगर क्वांटिटी नहीं दिया तो आपसे खुद पूछ रहा है, तो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करोगे, अब की बार नीचे से, और पहले कहां से किया था हमने, ऊपर से स्टार्ट किया था। चलिए समझिएगा, देखिएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अब की बार लिक्विड कौन कौन सा, ए और बी है, ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है। मैंने कहा लिक्विड ए जो है उसमें कितना रेशो दिया होता, 3:1, और लिक्विड जो उसने कहा ए रेशो बी तो हो गया 3:1, ये तो बात थी स्टार्टिंग की। और जैसे उसने 8 लीटर मिक्सर निकालकर 8 लीटर लिक्विड बी डाल दिया, तो अब रेशो कितना निकल के आ गया, 1:3। मुझे एक चीज बता दो बस आप, मिलाया क्या गया, लिक्विड ए या बी, बी मिलाया गया तो रेशो भी किसका चेंज होना चाहिए,
बी का, ए का रेशो तो चेंज नहीं होगा ना, अगर ए का रेशो चेंज नहीं होगा तो आपने ये रेशो क्यों चेंज किया हुआ है? आपने खुद ने कहा कि लिक्विड बी मिलाया गया है, तो आप मुझे बताइए ए का रेशो तो चेंज नहीं होगा, ए का रेशो चेंज नहीं होगा तो आप मुझे बताइए इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना निकल के आ गया 3 और ये कितना निकल के आ गया 9। अब जैसे ये बराबर हो जाए तो आप मुझे बताइए बी पहले कितना था 1 और आज कितना हो गया 9। मेरे अकॉर्डिंग कितने लीटर देखना इसमें ऐड किया गया 8 यूनिट, और उसने कितने लीटर बोला आपसे 8 लीटर लिक्विड बी डाला गया था, एक यूनिट की वैल्यू कितना निकल के आ गया 1 लीटर। आपसे आज पूछा कि आज बर्तन में बताइए कितना पानी कितना मिश्रण है, अपना टोटल मिक्सचर कितना है, मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में हमने ऊपर से शुरू किया, आप मुझे बताइए आज आपके अकॉर्डिंग 3:9 जो दिया टोटल कितना मिक्सचर बता रहा है वो 12। अगर एक यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है तो आप मुझे बताइए 12 की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 12 लीटर 12 लीटर, ये आपका क्या हो गया आंसर, बस कितना आंसर आ गया 12 लीटर। इसी में कई बार क्वेश्चन ऐसा करता है कि ये बताओ ए पहले कितना था बी कितना था, तो कई बच्चे क्या करते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर आ गया तो यहां से सीधा 3 की यूनिट की वैल्यू 3 लीटर, नहीं गलत है, और 1 लीटर की वैल्यू 1 तो 3 और 1 तो 4 हुआ, और वो कह रहा है असल में आज 12 लीटर मिक्सचर है। आप मुझे बताइए अगर आज 12 लीटर मिक्सचर है तो पहले भी कितना होगा 12 ही लीटर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप खुद समझो बर्तन में से उसने 8 लीटर मिक्सचर जब निकाला था 8 लीटर बी भी तो मिलाया है, आज भी तो बराबर हो गया 12 लीटर का पूरा भरा हुआ था बर्तन मान लो, और उसमें से 8 लीटर निकाल के जब उसने 8 लीटर अगर मिला दिया तो बराबर भर गया पूरा का पूरा, फिर भर गया मेरे हिसाब से 12 लीटर दिया हुआ है। अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूं इसी में, अगर मान लो उसने क्वेश्चन आपसे ऐसा कह दिया कि पहले ए कितना था और बी कितना, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है आज का कभी नहीं पूछेगा वो, मतलब ए आज कितना बी कितना है आज का नहीं पूछता, वो हमेशा पहले का कहता है कि बताओ पहले ए कितना था पहले बी कितना था। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से पहले ए और बी का रेशो टोटल कितना रेशो दिया हुआ था 4 यूनिट, और उसने टोटल कितने लीटर बताया पहले भी कितना था सॉल्यूशन, अगर आज 12 लीटर है तो पहले भी तो 12 लीटर ही होगा, मैंने कहा जी 12, एक यूनिट की वैल्यू कितना 3 लीटर, आपसे पूछा किसका है ए का, तो मैंने कहा ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 3 की वैल्यू कितना निकल के आ गया 9 लीटर, ये आपका आंसर हो गया। आपसे अगर पूछे बी कितना है तो 1 की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 3 लीटर, ये बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ए कितना था तो 9 लीटर था, और बी पूछे तो 3 लीटर था। मैंने कहा जैसे ही मैंने ये 20 से निकाल दिया था टोटल मिक्सचर 12 लीटर था, अगर टोटल 12 लीटर था तो आप खुद सोच के बताइए मुझे कि भाई मेरे हिसाब से पहले भी तो 12 ही होना चाहिए, लेकिन रेशियो कितना था पहले मेरे हिसाब से 12 यूनिट, और उसने 12 लीटर बोला, एक की वैल्यू 3 लीटर, और आपसे पूछा 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 लीटर। यहां तक बात समझ में आई सभी को? ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा अलग आ गया। अब इसमें क्या था कि हमने नीचे से स्टार्ट किया था, अभी एक रुको एक क्वेश्चन मैं और आपसे डिस्कस करो और फिर इसी के ऊपर आगे मैं सीरीज करवाता रहूंगा, ठीक है? चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपसे बोल रहा हूँ, ये आया सब क्वेश्चन समझ में? चलिए मैं एक क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, लिखिएगा। ये कह रहा है ए वेसल कंटेन लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 5:3। If 16 liters of mixture is removed and same quantity of liquid B is added, if 16 liters of mixture is removed and 16 या same liter of quantity, same quantity of liquid B is added, then the ratio becomes 3:5. How much of the liquid B was there in the vessel? अभी इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, हिंदी में देखिएगा। एक बर्तन में लिक्विड ए और बी 5:3 के अनुपात में है, एक बर्तन में लिक्विड ए और बी 5:3 के अनुपात में है। यदि बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर और 16 लीटर लिक्विड बी डाल दिया जाए तो अब लिक्विड ए और बी का अनुपात 3:5 हो जाता है। अब
लिक्विड ए और बी का अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बताइए बर्तन में लिक्विड बी की मात्रा कितनी थी। देखो वही फिर पूछ लिया गया, मतलब पहले की पूछेगा ए और बी, कह रहा कि बर्तन में लिक्विड बी की मात्रा कितनी थी। चलिए समझिएगा इसको, मैं एक बार इसको पूरे को साफ कर रहा हूं। देखिए मैंने कहा ये ए और ये बी, ठीक। अच्छा ए और बी का स्टार्टिंग में रेशियो कितना दिया उसने, कहा 5:3, और आज रेशियो कितना बताया 3:5। अच्छा आप मुझे बताइए मिलाया क्या गया, लिक्विड बी मिलाया था, निकाला तो सारा का सारा मिक्सचर था। अच्छा कई बच्चे एक और सोचते हैं, कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर एक बात आई, अगर निकाला गया था मतलब मिक्सचर, उसमें से ए भी तो निकला होगा। तो मैंने कहा भाई मैंने कब मना किया कि नहीं निकला होगा, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, जैसे ये बर्तन था, अगर इसमें 10 लीटर मान लो मिल्क मिलाया हुआ है और 10 लीटर वाटर है, टोटल कितना हो गया 20 लीटर। अगर मैंने इसमें से जैसे बराबर हो गया मिल गया, इसमें से मैंने क्या किया कि अगर मान लो मैंने 10 लीटर मिक्सर बाहर निकाल दिया, बचा कितना आज 10, तो क्या बताओ ये कि 10 लीटर जो बाहर निकला वो अकेला मिल्क निकला होगा क्या, जो बाहर निकाला होगा अकेला वाटर निकला होगा, मिला तो निकला तो दोनों का मिक्स होगा ना। जो आज 10 लीटर बचा होगा वो कितने रेशो में होगा, क्या 1:1 में नहीं होगा, दोनों का दोनों बराबर ही है दोनों के दोनों। और जब 1:1 में दोनों के दोनों अगर बराबर है आपके, तो मुझे बताओ तो रेशियो मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ, इसमें भी तो सेम करना पड़ेगा मेरे को। मैंने कहा रेशियो कभी नहीं बदलेगा, क्वांटिटी बदल सकती है लेकिन रेशियो नहीं बदलता बच्चे कभी भी। देखिएगा मैंने कहा इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और इसको कितने से कर दूं 5 से। रूल कहता है इसको अगर 3 से किया तो इसको भी कितने से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, इसको 5 से किया तो इसको भी कितने से कर दूंगा मैं 5 से। ये कितना हो गया 15, ये 9, ये 15 और ये 25। अब देखिएगा दोनों के दोनों बराबर हो गए, तो मुझे बताओ B पहले कितना था 9 और आज B कितना हो गया 25। मेरे हिसाब से कितने लीटर मिलाया गया आज, 16 यूनिट है, और उसने कितने लीटर बोला था 16 लीटर ही बोला कि 16 लीटर B मिला दिया गया, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना निकल के आ गया 1 लीटर, 1 यूनिट इक्वल टू 1 लीटर। आप मुझे बताइए अगर मेरे को निकालना हो A की वैल्यू, क्या मैं डायरेक्ट बता दूं कि 15 लीटर हो गया, B 9 लीटर हो गया, नहीं ना। मैंने बार बार कहा कि आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि उसमें गलत आ जाएगा आपका। आप सबसे पहले क्या काम करोगे, इन दोनों का टोटल लोगे, ये देखोगे कि आज मिक्सचर कितना है। मैंने कहा इन दोनों का टोटल आज कितना आ गया 40 यूनिट, एक की वैल्यू 1 लीटर है तो 40 की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 लीटर। इसका मतलब सॉल्यूशन टोटल कितने लीटर का मेरे पास, 40 लीटर का। और अगर सॉल्यूशन 40 लीटर का है तो पहले भी सॉल्यूशन कितने लीटर का था, 40 लीटर का, क्योंकि सॉल्यूशन में से 16 लीटर मिक्सर निकालकर 16 लीटर बी डाल दिया गया है, जब बराबर बना दिया है तो पहले भी सेम ही था। और मैंने कहा अगर पहले सेम था तो, लेकिन पहले रेशियो कितना था 15 और 9, 15 और 9 का दोनों का टोटल कितना दिया हुआ था 24 यूनिट, और उसने कितना बताया था 40 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितना निकल के आ गया 40/24। आपसे पूछा बी बताइए कितना होगा, बी कितना दिया हुआ है 9, तो 9 की वैल्यू आपको बताना है, तो मैंने कहा 40/24 × 9 कैंसिल हो रहा है 8 पे, 8 5 40, 8 3 24, 8 5 40, 8 3 24, और 3 पे 3 3 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना निकल के आ गया 15 लीटर। तो इसका मतलब कितना था मिक्सचर 15 लीटर, कौन सा बी। दोबारा समझो इस चीज को, मैं दोबारा बता रहा हूं, एक की वैल्यू 1 लीटर आ गया था, पहले टोटल मिक्सचर कितना निकाल दिया मैंने 40, 40 की वैल्यू कितना निकल के आ गया 40 लीटर। याद रख जैसी बात तो अपनी खत्म हुई, 40 लीटर सॉल्यूशन था, तो मुझे पता पहले भी सॉल्यूशन कितने लीटर था 40, लेकिन रेशियो पहले कितना था 15 और 9, टोटल कितना हो गया 24 यूनिट, 24 की वैल्यू किसके बराबर 40 लीटर के, एक यूनिट की वैल्यू 40/24 के। तो आपसे पूछा बी कितना था, तो 9 की वैल्यू कितना हो गया 40/24 × 9, कितना लीटर निकल के आ गया 15 लीटर निकल के मेरा आंसर आ गया। और अगर मैं डायरेक्ट निकालता तो 9 जो कि मेरा गलत होता। दोबारा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब आपको अगर वो खुद ना दे लीटर कितने लीटर का मिक्सर है, तो आप इन दोनों को टोटल, इन दोनों का लोगे पहले नीचे वाले का, और जो भी वैल्यू आएगी इस रेशियो के बराबर रख दो आप। अपने आप ही ए का बता दे, बी का बता दे, सी का कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया, ये तो था अभी कि इतने लीटर निकाल कर 16 लीटर बी ही मिला दिए गए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा उन क्वेश्चनों में क्या कह देगा, मान लो उसने कहा कि 16 लीटर मिक्सर निकाल दिया, 16 लीटर मिक्सर उसने निकाल दिया लेकिन मिलाए सिर्फ 10 लीटर ही,
ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि 16 लीटर तो निकाल दे लेकिन मिला कितना रहा है, सिर्फ 10 लीटर ही। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, और जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इससे आगे के क्वेश्चन इसी का लेवल और उठ जाएगा। जैसे फर्स्ट वीडियो में बहुत ही बेसिक लेवल दिया हुआ था, और किसी बच्चे ने अगर वो ना देखी है फर्स्ट वीडियो तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, फिर ये वीडियो देखना आप, क्योंकि वो वीडियो आपका बेस तैयार करेगी और उसके बाद ये वीडियो आपको थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाएगी। और जैसे मेरी अगली वीडियो आएंगी, नेक्स्ट वीडियो आएंगी, उसमें आपका लेवल और बढ़ता चला जाएगा, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। कोशिश कराऊंगी मैं मेंस लेवल के स्पेशल मैथ्स जो अपना होगा उसी के क्वेश्चन अभी इसमें डालने लग जाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपका बेस मैं तैयार कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं इसमें डालता रहूँगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना करते हैं, और अब जल्द ही मेरी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है एक, और जल्द ही स्पेशल मैथ्स का एक हमारा कोर्स हम अनाउंस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में हमारा एक कोर्स अपना अनाउंस हो जाएगा जो कि स्पेशल मैथ्स होगा, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज होंगे, बहुत नॉर्मल से चार्ज होंगे आपके। ये मान के चलो अगर आप पिज़्ज़ा खाने जाओगे, वहाँ कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा लोगे, उतने रेट में आपका पूरा मैथ्स अर्थमेटिक्स प्लस एडवांस वो भी मेंस लेवल तक आपको मिल जाएगा। हम ज़्यादा नहीं कर रहे इसके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ सभी को। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में।